नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर अभिषेक देशमुख समृद्धि मंत्र इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, कई बार हमें किसान भाइयों के फोन आते हैं और उनका एक कहना होता है कि जो अपने पास जो देसी मुर्गी होती है वो देसी मुर्गी अंडा कम दे रही है या फिर अंडे का जो प्रोडक्शन है वो घट गया है। कई बार ऐसे हो जाता है, तो इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं इसके लिए भी कई बार हमें राय पूछी जाती है, तो आज का ये जो वीडियो है उसी के लिए है। कई बार क्या होता है कि कुछ गलतियां किसान भाइयों की तरफ से होती है, मैं इसको गलती नहीं कहना चाहूंगा, ये कुछ चीजें होती है जो अनजाने से अपने हाथ से हो जाती है। तो आज ऐसे ही कुछ गलतियां हैं, कुछ चीजें अनजाने में अपने तरफ से हो रही है जिसके कारण मुर्गी का अंडा घट गया है, तो इसके ऊपर आज पहली बार बात करेंगे। तो मित्रों, सबसे पहली जो बात है जो जिसके कारण अंडा घट जाता है वो है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस जो है, तो मतलब 99% केसेस में जो अंडा घटता है वो स्ट्रेस की वजह से ही घटता है। तो आज हम बात करेंगे कि किस किस प्रकार का स्ट्रेस मुर्गियों के अंदर पाया जा सकता है। अब स्ट्रेस का जो कारण है, पहला कारण उसका है कि आप पहले दाना चेक करो, मतलब जो फीड आप मुर्गी को दे रहे हो वो सही है कि नहीं है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार क्या होता है कि हम लोग फीड की तरफ से या तो सोचते हैं कि देसी मुर्गी है तो इसको फीड की मतलब या उसके न्यूट्रिशन की तरफ थोड़ा सा नजरअंदाज कर देते हैं, तो ये चीज उसके साथ में नहीं होनी चाहिए। जो दाना आप मुर्गी को खिला रहे हो वो हमेशा वेल बैलेंस होना चाहिए, और कम से कम खर्चे में जो जो ज़्यादा बनता है वो हम लोग बना तो लेते हैं, लेकिन हमें उसके न्यूट्रिशन की तरफ सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। दूसरी चीज़ फीड के साथ क्या होती है कि हम लोग जो दाने का जो क्वांटिटी रखते हैं वो क्वांटिटी कितना देना चाहिए, मुर्गी के एज के हिसाब से उसको अलग अलग क्वांटिटी में दाना देना चाहिए। तो कई बार क्या होता है कि हम क्वांटिटी की तरफ ध्यान नहीं देते, तो मुर्गियों को दाना कम मिलता है, तो अगर दाना कम मिलता है तो उसके कारण उसका जो अंडा है वो अंडा घट जाता है। तो ये दो मेन रीजन है कि खाने के कारण या दाने के कारण उसका जो अंडा है वो अंडा कम हो जाए, या तो पहला कारण है या तो उसमें न्यूट्रिशन की कमी है, या तो दूसरा कारण है उसको पूरे क्वांटिटी में नहीं मिल रहा है जितनी क्वांटिटी उसको चाहिए। दूसरा कारण हम लोग बात करेंगे कि दूसरा स्ट्रेस का क्या कारण हो सकता है, तो वो भी सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है पानी। मतलब जो पानी आप मुर्गी को पिला रहे हो वो पानी सही है नहीं है, क्योंकि क्या है कि आप मतलब मैं नहीं कहता कि आप RO का वाटर पिलाओ या कोई अच्छा पानी पिलाओ, लेकिन जो पानी पिला रहे हो एटलीस्ट वो फ्रेश होना चाहिए। और साथ में अगर आप सर्दी में पानी पिला रहे हो तो सर्दी में मुर्गियाँ पानी थोड़ा कम पीती है, तो जो पीने का पानी है उसका थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा के आप उसको दे सकते हो, या फिर गर्मी का सीजन है तो गर्मी के सीजन में पानी जो है थोड़ा ठंडा करके उसको दे सकते हो, या पानी में बर्फ पिला के उसको दे सकते हो। तो ये दोनों चीज़ों का आपका ध्यान रखना है। साथ ही में क्या है कि आप पानी पिला रहे हो तो पानी, सिर्फ पानी पिला रहे हो तो उसके साथ में आप कुछ एंटी स्ट्रेस जैसे दवाई होती है वो उसके साथ में मिला सकते हो, जैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का भी सॉल्यूशन मिलता है मार्केट में वो मिला सकते हो, विटामिन सी का मिलता है वो मिला सकते हो। उसके साथ में अगर आप कोई एसिडिफायर्स मिला रहे हो पानी में तो वो भी अच्छा रिजल्ट आपको दे सकता है, मुर्गी के एज के हिसाब से आप उसमें लीवर टॉनिक भी मिलाना ना भूले। तो ये दोनों चीजों का अगर आप ध्यान रखते हो तो फिर पानी या दाने के कारण जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेस आपकी मुर्गी के अंदर नहीं आएगा। अब पानी और दाने के साथ ही एक सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि पानी के और दाने के जो बर्तन हैं, बर्तन कितने हम रख रहे हैं। तो कई बार क्या होता है कि मुर्गियों की संख्या ज्यादा होती है लेकिन बर्तन जो होते हैं बर्तन कम रखे जाते हैं, तो हमेशा याद रखें कि बर्तन 100 मुर्गी के पीछे कम से कम 3 बर्तन आपको रखने हैं, 3 पानी के बर्तन और 3 दाने के बर्तन, यह इसके इससे कम नहीं रखना है। तो इसका जो नंबर है ये भी आपको याद रखना है। और साथ ही में एक और चीज़ हो जाती है कि जो बर्तन की हाइट होती है, जो जहाँ से हमने कई बार हम लोग क्या करते हैं कि जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं प्लास्टिक के बर्तन वही लेके आते हैं, तो जब वो आप लगा रहे हो तो उसके साथ में आपको ध्यान रखना है कि उसका हाइट कितना हो रहा है। तो हाइट जो है तो वो मुर्गी के गर्दन के हिसाब से होना चाहिए, मतलब ताकि वो आराम से पानी पी सके और दाना खा सके। अब इसके साथ में जो तीसरी चीज है जो कई बार अक्सर किसान भाइयों द्वारा ये गलती हो जाती है, तो क्या होता है कि हम लोग जैसे मुर्गी लाते हैं तो हम लोग अलग अलग एज ग्रुप की मुर्गियां साथ में मिला देते हैं, मतलब कई बार ऐसे होता है कि छोटी मुर्गियां और बड़ी मुर्गियां दोनों साथ में ही रहती है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि जब बड़ी मुर्गी होती है वो थोड़ी सी एग्रेसिव होती है, और छोटी मुर्गी जो होती है उसका वो नेचर थोड़ा सा मतलब नए ग्रुप में जाती है तो उसका अंडा थोड़ा सा कम हो जाता है। तो आपको क्या करना है कि जो बड़ी मुर्गी है उनको सेपरेट रखना है और जो छोटी मुर्गी है उनको भी सेपरेट रखना है, यानी कि एज ग्रुप के हिसाब से आपको मुर्गियों को सेपरेट करके रखना है। ये सबसे बड़ी बात है और ये भी एक स्ट्रेस का कारण हो सकता है जिसके कारण आपकी मुर्गियों में अंडा कम हो सकता है। उसके बाद चौथी बात मैं बताऊंगा कि चौथी बात क्या है कि हम लोग कई बार क्या करते हैं कि मुर्गी को मतलब एक शेड के अंदर तो रखते हैं लेकिन अंडा अंडा देने के लिए उसको कोई खास जगह नहीं देते हैं। मतलब कई बार क्या होता है कि जो मुर्गी होती है वो कोने में जाके अंडा कहीं पे दे देती है, तो हम लोग वहां से उठा के लेके आते हैं।
तो हम लोग क्या करें कि उसके साथ में कोई नेस्ट बना के रखे, नेस्ट यानी कि उसको अंडा देने के लिए कुछ अलग जगह बना के रख सकते हो। तो वो अंडा देने के लिए अलग जगह बना के रखने का फायदा ये होगा कि क्या होता है कि मुर्गी जब अंडा देती है उसको थोड़ा सा आइसोलेशन चाहिए होता है, थोड़ा सा अकेले में बैठ के वो अंडा देना चाहती है, तो वो उस टाइप का जो आइसोलेशन है वो उसको मिल जाएगा। तो आप ये जो मतलब नेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, नेस्ट बनाने में कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आता, आप थोड़ा सा आइडियाज़ यूज़ करके, अपने इनोवेटिव आइडियाज़ यूज़ करके, या कोई प्लास्टिक का आपके पास कुछ पड़ा हुआ है, कोई बकेट है या कोई पुरानी चीज़ है, तो इनका यूज़ करके आराम से ये नेस्ट बना सकते हो। तो नेस्ट के कारण क्या होगा, दो चीज़ें होगी, एक तो मुर्गी को आइसोलेशन मिल जाएगा और दूसरी आपको अंडा उठाने के लिए भी कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आप मुर्गी एक जगह पे अंडा जैसे दे देगी, आप आराम से जाके वहां से उठा सकते हो। इसके साथ में पांचवी और सबसे बड़ी गलती एक हो जाती है किसान भाइयों द्वारा, वो है मेल और फीमेल को साथ में रखना। तो कई बार क्या होता है कि हम लोग ऐसा सोचते हैं कि अंडे के लिए जब मुर्गी है तो उसके साथ में कई बार मेल्स भी आ जाते हैं, तो सोचते हैं कि मेल्स को ब्रॉयलर या चिकन के लिए मार्केट में बेच देंगे। तो आपको याद रखना है कि जब मुर्गी अंडे की एज की हो जाती है तब तक एज भी, वो जो मेल होता है उसका मेल भी काफी मैच्योर हो जाता है। तो ऐसे कुछ मेल आप यदि चिकन के लिए बेच रहे हो तो तुरंत उसको बेच दे, क्योंकि क्या होता है मेल थोड़े से एग्रेसिव होते हैं, और जब ये दोनों एज में आ जाते हैं तो फिर जो मेल्स होते हैं उनके एग्रेशन के कारण मुर्गी थोड़ी सी स्ट्रेस में रहती है। तो मेल्स जो है मेल्स को तुरंत आपको बेच देना है। और दूसरी चीज़, यदि आप अंडों के लिए या चूजे बनाने के लिए मुर्गी पालन कर रहे हो तो आपको याद रखना है कि मेल और फीमेल का रेशियो कितना रखना है। तो मेल और फीमेल का रेशियो जो कांस्टेंट रहना चाहिए, यानी कि 10 मुर्गियों के पीछे या 10 फीमेल के पीछे एक मेल आपको रखना है। तो इससे कम या इससे ज्यादा कोई क्वांटिटी आप ना रखें, इसके कारण जो मुर्गी के अंदर स्ट्रेस हो सकता है। तो ये 5 रीजन मैंने बताया कि जिसके कारण स्ट्रेस हो सकता है, पहला एक के दाना, दूसरा पानी, तीसरा साथ में जो है कि अलग अलग एज ग्रुप की मुर्गियां रखना साथ में, चौथा है कि मुर्गियों को एक आइसोलेटेड प्लेस आपको प्रोवाइड करना है, और पांचवा है कि मेल और फीमेल का रेशियो। ये 5 चीजों का अगर आप ध्यान रखते हो तो स्ट्रेस के कारण जो अंडे का प्रोडक्शन आपके मुर्गी फार्म में घट रहा है वो हमेशा कम रहेगा। और ऐसे ही नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो के अगर कोई जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना नंबर देके रखा है, तो कॉल करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।